राजस्थान सरकार ने बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए देने वाली लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से शुरू कर दी है। जहां साथियों बेटी के जन्म पर अब 1 लाख रुपए देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना में किन किन बालिकाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 1 लाख रुपए कितनी किस्तों में मिलेंगे, किन किन बालिकाओं को दिए जाएंगे। राज्य की गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये 1 लाख रुपए कितनी किस्तों के द्वारा मिलेंगे, साथ ही 1 लाख रुपए लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, कहां पर फॉर्म जमा होगा, 1 लाख रुपए लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अगर आपके भी घर परिवार में कोई बेटी है तो अगर आप भी उसे लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान में बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल मिले, इसके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना से बेटियों का भविष्य उज्ज्वल होगा और इस योजना के अंतर्गत सीधे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में रुपए भेजे जाएंगे। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई। जन्म से लेकर 21 वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत बालिका को रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लालन पोषण की चिंता माता पिता को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी अब राजस्थान सरकार ने उठा ली है। बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही जन्म से लेकर उनके वयस्क होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में बालिका के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य तथा स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए संपूर्ण राजस्थान में 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई। इस योजना में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना से राजस्थान में बालिकाओं के प्रति क्या बदलाव होंगे, तो योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। मातृ मृत्यु दर के साथ ही बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी, साथ ही घटते शिशु लिंगानुपात में भी सुधार लाया जा सकेगा। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव भी बढ़ेगा। माता और पिता उनकी पढ़ाई जल्दी नहीं छुड़वाएंगे, जल्दी उनकी शादी नहीं करवाएंगे, जिससे बाल विवाह में भी कमी आएगी। तो साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना से राजस्थान में कई बदलाव होंगे। मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी होगी, साथ ही लिंगानुपात भी बढ़ेगा। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन ज्यादा होंगे, माता पिता उनकी पढ़ाई को जल्दी नहीं छोड़वाएंगे, साथ ही बालिकाओं की शादी है वो जल्दी नहीं करवाएंगे, जिससे बाल विवाह में भी कमी आएगी। तो साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा, यानी कि क्या लाभ दिया जाएगा। तो 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। कितनी किस्तों के द्वारा 1 लाख रुपए मिलेंगे अभी मैं आपको बताने वाले हैं। तो इस योजना में राजस्थान की मूल निवासी प्रस्तुता द्वारा राजकीय चिकित्सा संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष आयु पूरी करने पर राशि का भुगतान यानी कि 1 लाख रुपए का भुगतान 7 किस्तों में DBT के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता या फिर अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में DBT के द्वारा ऑनलाइन भेजी जाएगी। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित करते हुए इस योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। यानी कि ये राजस्थान में जो पहले से राजश्री योजना चल रही है उसी योजना को बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया। यानी कि जिन बालिकाओं को राजश्री योजना का लाभ मिल रहा है अब उनको लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। राजश्री योजना के अंतर्गत केवल 50,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया। अब बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी किस्तें दी जाएगी और प्रत्येक किस्त में कितने रुपए दिए जाएंगे, किस्त कब दी जाएगी। तो साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 किस्तों के द्वारा रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त चिकित्सा संस्थान में बालिका का जन्म होने पर 2,500 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी किस्त बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, समस्त टीकाकरण होने पर दूसरी किस्त में 2,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त के 4,000 रुपए दिए जाएंगे। चार नंबर किस्त की हम बात करें तो राजकीय विद्यालय या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निजी विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर चौथी किस्त के 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पांचवी किस्त राजकीय विद्यालय या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर पांचवीं किस्त के 11,000 रुपए दिए जाएंगे। छह नंबर किस्त की हम बात करें तो राजकीय विद्यालय या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6 नंबर किस्त के 25,000 रुपए इस लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। अब सातवीं किस्त में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सातवीं किस्त के 50,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जाएंगे। और साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना की सातवीं किस्त है वो बालिका के बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी कि बालिका के स्वयं के बैंक खाते में 50,000 रुपए भेजे जाएंगे। जब बालिका की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो जाएगी और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी उसके बाद में बालिका के बैंक खाते में सातवीं किस्त के 50,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो छह किस्तें हैं वो बालिका के माता पिता या फिर अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी और सातवीं किस्त बालिका के स्वयं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो पहली किस्त में 2,500 मिलेंगे, दूसरी किस्त में 2,500 मिलेंगे, तीसरी किस्त में 4,000, वहीं चार नंबर किस्त में 5,000 रुपए मिलेंगे, पांच नंबर किस्त में 11,000 रुपए मिलेंगे, वहीं छह नंबर किस्त में 25,000 रुपए मिलेंगे और सातवीं किस्त में 50,000 रुपए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता क्या है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो योजना के अंतर्गत पात्रता बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना जरूरी है। साथ ही प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद में चिकित्सा विभाग की तरफ से PCTS पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। संस्थागत प्रसव के तहत बालिका का जन्म होने के बाद में पहली किस्त माता या फिर पिता अभिभावक के बैंक खाते में 2,500 रुपए डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन सीधे भेजे जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बचत बैंक खाते की पासबुक, महिला का अगर विवाह प्रमाण पत्र बनाओ तो विवाह प्रमाण पत्र, अन्यथा मूल निवास होने का प्रमाण पत्र। साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को जन्म के समय यूनिक आईडी अथवा PCTS आईडी नंबर दिया जाएगा। बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित होने की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होने के बाद दूसरी किस्त की राशि माता पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि दूसरी किस्त के भी 2,500 रुपए दिए जाएंगे और ओजस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी के द्वारा रुपए भेजे जाएंगे। तो साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहली किस्त जहां पर जिस हॉस्पिटल में बालिका का जन्म हुआ उस हॉस्पिटल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी किस्त के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र अपने क्षेत्र का वहां से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तीसरी किस्त से लेकर छठी किस्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत संबंधित राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 में प्रवेश लेने के बाद में राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है उसी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और जिस विद्यालय में बालिका अध्ययन रहता है उसी विद्यालय के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही बालिका के माता पिता से पूर्व की किस्तों की यूनिक आईडी या फिर PCTS आईडी नंबर मांगा जाएगा, इसके लिए अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो तीसरी किस्त से लेकर 6 नंबर किस्त तक जो किस्तें दी जाएगी वो विद्यालय के द्वारा दी जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म भी विद्यालय के द्वारा ही भरा जाएगा। और लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका की 1 नंबर किस्त से लेकर 6 नंबर किस्त के 50,000 रुपए माता पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सातवीं किस्त कैसे मिलेगी। तो योजना की अंतिम किस्त के लिए बालिका के स्नातक कक्षा प्रवेश लेने पर संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड किए जाएंगे। तो साथियों राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना की सातवीं किस्त के लिए भी बालिका के द्वारा या फिर माता पिता के द्वारा कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जब स्नातक कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसी समय फॉर्म भरा जाएगा। जब बालिका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी और 21 वर्ष आयु पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में बालिका के बैंक खाते में अंतिम किस्त के 50,000 रुपए भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 नंबर किस्त से लेकर
कक्षा नंबर किस्त के 50,000 रुपए बालिका के माता पिता या फिर अभिभावक के बैंक खाते में भेजे जाएंगे और सातवीं किस्त के रुपए बालिका के बैंक खाते में 50,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए कौन बालिका पात्र है, कितने रुपए दिए जाएंगे, कितनी किस्तों के द्वारा दिए जाएंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।